शादी के लिए लड़की की उम्र भी 21 साल होगी। बहस बीच हम आपको भूतकाल में लेकर चलेंगे कि ऐसा क्यों और किस लिए आरंभ किया गया। साल 1890 की बात है। उन दिनों फूलमणि और हरिमोहन मैति की शादी हुई। फूलमणि उस वक्त अपने पति से 3 गुना कम उम्र की यानी महज 10 साल की थी। शादी के बाद फूलमणि दास की मौत हो गई, वजह वो शादी के बाद का दर्द नहीं सह सकी। पति पर बलात्कार का चार्ज भी नहीं लगा क्योंकि बीवी के संग संबंध बनाने का उसे अधिकार था। फूलमणि दास की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप करके कानून बनवाया। इसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा गया, जो 1891 में पारित हुआ। इसमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की उम्र यानी एज ऑफ कंसेंट को 12 साल कर दिया गया। कानून का विरोध भी हुआ, लेकिन क्रांतिकारी पंडित रमाबाई और आनंदी गोपाल जोशी ने कानून की तरफदारी की। इसके बाद साल 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ। इसे शारदा एक्ट कहा गया क्योंकि 1927 में इसे राय साहिब हरबिलास सारडा ने इंट्रोड्यूस किया था। एक्ट में पहले लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखी गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष। 1 अप्रैल 1930 को यह कानून पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर इसे पास कराने की मांग की। बाद में लड़की के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष की गई और लड़के की 21 वर्ष। साल 2006 में भारत सरकार ने शारदा एक्ट को रिप्लेस करते हुए नया एक्ट पास किया जिसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। उस समय महिलाओं की उम्र 12 वर्ष थी विवाह की, किंतु समय के साथ में इसमें परिवर्तन होते चले गए। 1927 में महिलाओं की विवाह की उम्र 14 वर्ष रखी गई, पुरुषों की विवाह की उम्र 18 वर्ष रखी गई। फिर इसमें परिवर्तन होते चले गए और वर्तमान में महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष रखी गई है। उम्र का बंधन क्या सिर्फ हमारे देश में ही है? इसका सीधा जवाब है जी नहीं। दुनिया भर में 140 से ज्यादा देशों में शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। दुनिया के कुल 143 देश है जहां लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 साल है। अब भारत में शादी की उम्र को 21 करने की कवायद को सही माना जा रहा है। महिला उत्थान के लिए काम करने वाले गोविंद सिंह राठौड़ और कानूनी जानकार इसे सही मान रहे हैं। इस चीज से हम सहमत हैं क्योंकि अगर बच्चे की उम्र 21 वर्ष होती है और बच्ची की उम्र 21 वर्ष नहीं होती है तो हम लोग शुरुआत से ही जो है एक तरीके के तालमेल में कमी ला देते हैं। मेरे ख्याल से अगर बच्चियों की उम्र 21 होगी तो हम लोग जो है बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले रखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, जिससे कि जो है बच्चियां आगे बढ़ सकेंगी और अपने जीवन में कुछ कर पाएंगी। इस कानून के बनने के पश्चात महिलाएं व पुरुषों दोनों के ही विवाह की न्यूनतम आयु एक समान हो जाएगी 21 वर्ष। अभी तक महिलाओं की न्यूनतम आयु विवाह की 18 वर्ष थी और पुरुषों की 21 वर्ष। जहां पर महिलाएं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद घर गृहस्थी में उलझ जाती थी, वहीं पुरुष अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के पश्चात आत्मनिर्भर होने का प्रयास करता था, किंतु इस कानून के बनने के पश्चात महिलाएं व पुरुष दोनों ही समान रूप से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आत्मनिर्भर हो सकेंगे। साथ ही महिलाओं का फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट और पहले से बेहतर हो पाएगा। वहीं ईरान में 13 साल, लेबनान में 9 साल और सूडान में युवा अवस्था की शुरुआत लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र है। वहीं चाड और कुवैत में 15 साल की उम्र पार कर लेने के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। अफगानिस्तान, बहरीन,
पाकिस्तान, कतर और यूके समेत दुनिया के 7 देशों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 साल है। वहीं नॉर्थ कोरिया, सीरिया, उज्बेकिस्तान में शादी की न्यूनतम उम्र 17 साल है। हालांकि यमन, जिबूती और सऊदी अरब में शादी की कोई तय उम्र नहीं है। वहीं इंडोनेशिया, नाइजीरिया जैसे 20 देशों में न्यूनतम लड़का लड़की की शादी की उम्र 21 साल है। अगस्त 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। मामला था लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने का। अब भारत में लड़के और लड़की दोनों की शादी के लिए 21 साल की उम्र तय होगी।